हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज मैं थोड़ा बाहर भी जाऊँगी और अभी बज रहा है 10 o'clock हुआ है और ये सुबह के 10:10 बज रहा है, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम हो गया। मैं थोड़े से देर से शुरू कर रही हूँ ये ब्लॉग, और क्योंकि पूजा में और थोड़ा सा इनको मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया और वो चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ले रही हूँ मिल्क और ले रही हूँ सैंडविच। तो उन्होंने वो तो ब्रेकफास्ट करके निकल गए और मेरा ब्रेकफास्ट अभी रह गया है, तो मैं वही कर रही हूँ। और मैं अपने रूम में ही हूँ, आज मैं रूम में ही कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और फ्रेंड्स, मैंने आज अपने हेयर्स भी वॉश किए हैं, मतलब शैम्पू किया है, तो थोड़ा सा ऐसे ही है बाल, इसलिए मैंने खुले हुए रखे हैं। तो चलिए फटाफट से अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से साथ शेयर करूँगी लंच। लंच के बाद हम लोग आज थोड़ा बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। लखनऊ में देखना है मुझे। एक्चुअली मैं ज़्यादा तो बाहर ज़्यादा इस बारे में नहीं जानती हूँ कहाँ पर क्या अच्छा रहता है, क्योंकि मैं कम मेरा आना जाना होता है। तो एक मिनट मैं अभी देख कर आती हूँ कौन है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन लेट होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है एक्चुअली, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। जिस दिन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, उस दिन और ज़्यादा लेट होता है। तो वही है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है आज, और बहुत टाइम हो गया है लंच। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो यही है सब। चलिए आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं जो भी बना रही हूँ लंच में। अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है एक्चुअली, दाल तो बनेगी ही, बट और क्या बनने वाला है नहीं पता मुझे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए आज मैं बनाऊँगी, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल कड़ी पत्ते वाली, क्योंकि कड़ी पत्ते वाली दाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कड़ी पत्ते वाली दाल। तो जब तक हम दोनों हैं अकेले, तो उनको रोज़ मैं कड़ी पत्ते वाली दाल ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट कल जो कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था वो कुछ अच्छा नहीं था, उसमें कुछ लगा ही नहीं, उसका पता ही नहीं चला कि मैंने क्या डाल रखा है। तो चलिए फटाफट से, अगर मैं लंच नहीं दिखा पाई तो बन जाएगा, तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि कड़ी पत्ते से सिर्फ मुझे तड़का देना है कड़ी पत्ते का। लेकिन जब मैं अगर टाइम मिला मुझे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर कमरे में ही आ गई हूँ, और उधर पे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था मुझे, बैठ के नहीं खाना है मुझे, और मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं मेरे ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, बस सिर्फ सैंडविच बनाया है, दही सैंडविच जो होता है वो बनाया है। उसमें गाजर, कुकम्बर और टमाटो और अनियन डाला है, और उसके साथ मिक्स करके चाट मसाला वगैरह ये सब डाल के और फिर बना लिया है। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या काम करूँगी मैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, और देखिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अब मैं चोखा बना रही हूँ। चोखे के लिए मुझे टमाटो एंड लेडी फिंगर और ब्रिंजल चाहिए, और पटेटो चाहिए, और ग्रीन चिली चाहिए, बस इतना ही वेजिटेबल चाहिए। और मैं चोखे में थोड़ा ही चोखा बनाना है मुझे, क्योंकि हम दोनों लोगों के लिए बनाना है, तो उतना ही चोखा हम लोगों के लिए हो जाएगा। और शाम को हम लोगों को बाहर जाना है, इस वजह से भी मैं उतना ही लंच बना रही हूँ जितना कि ज़रूरी है। तो
फ्रेंड्स में बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी मतलब कम टाइम में और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है और शाम को कहीं जाना है बहुत जल्दी में है, तो इस तरह का लंच प्रिपेयर कर सकते हैं आप। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। बस ये बॉईल करने रख देना है आपको कुकर में, और बस 2 सीटी आ जाए, फिर बस निकाल के थोड़ा ठंडा कीजिए और मिक्स कर लीजिए नमक डाल के। उसमें मिर्च मैंने डाल ली हुई है, और क्या करूँगी मैं कि थोड़ा सा या तो आप देसी घी डाल सकते हो, या फिर आप उसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। मतलब सरसों का तेल बहुत होता, बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा अलग तरह का ये लंच है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कितना कितना क्या ले रही हूँ। अगर आप लोग भी 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, मतलब 2 लोगों का ही खाना बना रहे हैं, तो उतना चल जाएगा, और ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब इतना तो हो ही जाता है पता कि कितना लगेगा, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टमाटो लिया है, मैंने बताया आपको, और एक अब मैं पोटैटो ले रही हूँ, और मैंने कुछ ये लेडी फिंगर ली है, 5 से 6 ही ली हैं, और मैंने ग्रीन चिली भी ली है। तो इनको ही डालकर मैं बॉईल कर ले रही हूँ, धुल के इनको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप अच्छे से इसको ढककर, मतलब 2 विसल आए तो 2 विसल तक आपको इसको ढक के और 2 विसल तक पकाना है। बस 2 विसल के बाद तुरंत खोल दीजिए, पक जाएगा ये, और बस फटाफट से मैश कर लीजिए जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा कितना मैसी हो रहा है मेरा किचन, और इसको इग्नोर कर दीजिएगा। एक्चुअली बहुत जल्दी में हूँ मैं, इसलिए मैंने सब्जी भी सारी यहीं फैला के रखी हुई है, क्योंकि सब्जी में, क्योंकि क्या हुआ कि मेरी सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रिज में आ जाता है पानी, एकदम से मेरे फ्रिज में पानी पानी हो जाता है, तो इस वजह से हमारी सब्जी ऐसी हो गई है। देखिए, तो मैंने खोलकर इसको ऐसे ही रख दी है, तो इसमें बर्फ जम जाती है हमारे फ्रिज में, तो इस तरह का हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसको सूख जाएगा तब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो ये देखिए हमारा कितना मैसी हो रखा है। तो चलिए अभी इसमें फटाफट से डालती हूँ पानी। तो फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया है इसको, और पानी भी मैंने ऐड कर दिया है, और देखिए सब अच्छे से वॉश हो गया है। और अब मैं इसको ढककर रख दूँगी। बस 2 विसल आएंगे तब तक मैं इसको ढक के रखूंगी, और जब मैं बनाऊंगी ना तब मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बॉईल हो गया है ये, और ये देखिए टमाटो ऐसा हो जाता है, और ये सारी चीज़ें इस तरह से हो गई हैं। तो अभी जब ये ठंडा होगा तब मैं इसको मिक्स करूंगी, और ये पानी मैं निकाल दूंगी, जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये, तो वो सब निकल जाएगा, और इसका छिलका भी मैं ये उतार दूंगी। तो अभी मैं कर ले रही हूँ इसको ठंडा फटाफट से, और मेरा मैं ज़्यादा कुछ बोल रही हूँ ना, फटाफट फटाफट, लेकिन जल्दी करने के लिए तो यही बोलते हैं, तो बोल देती हूँ मैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं मिक्स करूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि बनाना कैसे है इसको, किस तरह से मिक्स करना है। तो अभी मैं बना रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ दाल, और दाल को बॉईल कर लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ इसको तड़का कैसे देना है कड़ी पत्ते के साथ मैं वो बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब दाल को तड़का दे रही हूँ, और मैं तड़के के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑयल, और शायद आवाज़ थोड़ा आपको कम आए फ्रेंड्स, तो मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, इस वजह से थोड़ा सा कम आ सकती है आवाज़, और मैं थोड़ा डाल कर देख लेती हूँ। देखिए ऑयल हो गया है हल्का हल्का सा, तो मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डाल दूंगी, और थोड़ा सा क्यूमिन सीड डालूंगी,
तड़क जाए तब मैं इसमें एक रेड चिली डाल दूँगी। रेड चिली के बाद थोड़ा सा गार्लिक डालूँगी, सॉरी तो मैंने एक ही रेड चिली डाला है क्योंकि मैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करने वाली हूँ इस वजह से। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा रेड चिली और अनियन डाल दूँगी। देखिए भाप आ रही है, इस पर पूरा धुआं उसका आ जा रहा है कैमरे पर। मैं इसी के साथ ही ये कड़ी पत्ते मैंने चार लीव लिया है इस तरह का, तो मैं इसको इसके साथ ही डाल दूंगी, फिर मैं इसको निकाल दूंगी अलग से। जब ये सब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से तड़क जाएगा, ये जो अनियन है रेड हो जाएगी, उसके बाद मैं टमाटो ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स खुशबू बहुत अमेजिंग आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल सो गुड। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और इसमें अच्छे से इस तरह से मैश कर दे रही हूँ। ये देखिए एक्चुअली भाप आ रही है, ये देखिए इसका। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढककर छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ढक्कन हटाकर देखा और देखिए टमाटो एकदम हो चुका है, मैश हो गया है। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। अब मैं दाल को 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी इस तरह से, और हो गया मेरा तड़का, दाल तड़का तैयार कड़ी पत्ते वाला। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। और अभी ये हम लोग बाद में जब लंच करेंगे तब आपको दिखाते हैं कि मैंने और क्या क्या बना लिया है। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी किचन को वॉश कर लेती हूँ, पूरा किचन मुझे क्लीन करना है, तो मैं अब क्लीन कर ले रही हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने क्लीनिंग कर ली है, किचन को क्लीन कर लिया है मैंने पूरा, और मेरा लंच भी तैयार हो गया है। और मैं क्या कहती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, और मैंने सुबह भी शावर लिया था, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार शावर ले लूँ। तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा फिर से एक बार शावर लेकर आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। एक्चुअली मेरे किचन में गर्म तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़्यादा कभी कभी गर्म होता है ना, तो उस समय लगता है। तो और थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियोस बनाने में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है किस तरह का क्या डालें क्या नहीं डालें। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मोटिवेट करिए, थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो उनको भी पता चले जो हाउसवाइफ होती हैं तो उन लोगों को कैसे क्या, मतलब सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा और जल्दी जल्दी से काम किस तरह करना है ये सब जान सकते हैं। और जब जल्दी में होते हैं, कहीं जाना होता है, तो आप लोग किस तरह से कोई काम कर सकते हो, बस यही है आज का वीडियो। और मैं भी कंटिन्यू रखूँगी, मैं अभी शावर लेकर आती हूँ, फिर मैं अभी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो लंच प्रिपेयर कर लूँगी पूरा। अभी राइस बनाना है मुझे एक्चुअली, और अभी बजा है 12, हाँ 12 o'clock हो गया है। तो अभी तो वो नहीं आएंगे, 1 बजे तक आएंगे शायद, तो जब तक मैं पूरा लंच वगैरह सब कुछ बना के रेडी कर लूँगी और मैं शावर लेकर आती हूँ। फिर आपको जब लंच करेंगे हम लोग तब आपसे मिलते हैं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने फिर से नहा लिया है, फिर से शावर ले लिया है, और मैं नहा कर जल्दी से लंच बना लिया है, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो वो लंच कर रहे हैं, और आपको पता चल ही जाएगा मैं क्या बनाया है, पूरा सब कुछ बता ही दिया था मैंने, तभी फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो फ्रेंड्स मेरा लंच हो गया है, हम लोग ने लंच कर लिया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, मतलब थोड़ी देर के लिए सोऊंगी मैं, अभी थोड़ी देर बाद सोऊंगी, बट थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ कि मैं आज देखती हूँ कहाँ जाऊँगी, शायद बिग बाज़ार जाऊँ या कुछ, अभी इतना पता नहीं है मुझे कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट हाँ जाएंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे जाना है। और देखती हूँ मैं मुझे क्या लेना है, मतलब मुझे लेना तो कुछ नहीं है, शायद थोड़ा सा घूमना ही हो जाए, और ले भी सकती हूँ, और अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ले भी सकती हूँ, और नहीं मिला तो कोई ज़रूरी भी नहीं। और फ्रेंड्स मैंने जो आपको लंच बताया है, ब्रेकफास्ट बताया है, तो आप उस तरह का जो ब्रेकफास्ट बताया है तो आप लोग बहुत हल्का होता है, हैवी नहीं होता है, तो आप समर्स में इस तरह के ब्रेकफास्ट ले सकते हो, और वो हेल्दी भी होते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छे भी हेल्थ भी अच्छी रखेंगे आपकी, और आपको इतनी जल्दी से भूख भी नहीं लगेगी, तो बहुत ही अच्छा होता है ये जो मैंने बनाया था अभी आज ब्रेकफास्ट में। और लंच अगर आप लोगों को कहीं जाना है शाम में तो, और आप कम लोग मतलब आप दो ही हैं या फिर आप लोग सभी जाने वाले हैं, तो इस तरह का लंच बना लीजिए कि फटाफट से बन भी जाए, और जाना है तो लंच मतलब खाना जो भी है बेस्ट ना हो। मेरा मतलब यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रहता है, मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ, मतलब लंच चाहे डिनर बनाऊँ या लंच बनाऊँ, कभी भी कुछ भी बनाऊँ तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों तो इतना भी थोड़ा सा भी नहीं कुछ मिलता है खाने के लिए, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट जब नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होता है। तो जब है तो उस हिसाब से अगर आपके पास बच जाता है तो बहुत लोग यहाँ से सभी जगह निकलते ही हैं इस तरह के, जो कि उनको दे दीजिए, या फिर आप जानवर जो रहते हैं उनको दे दीजिए, गाय है डॉगी है, मतलब बाहर जो भी आपको एनिमल मिले उनको आप खिला दीजिए, या फिर अगर आपके यहाँ आसपास नहीं है तो कहीं जहाँ पर दूर रहते हैं तो वहाँ मिल जाता है, मतलब कोई भी किसी को भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो
यही मेरी आजकल मतलब हमेशा ही ये रहता है मेरे साथ कि मैं कभी भी लंच है हो या लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, उतना ही मैं बनाती हूँ, उतना ही मैं करती हूँ कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस इतना ही फ्रेंड्स। और आई होप सभी लोग ऐसा ही सोचते होंगे। मैं तो अपनी बता रही हूँ, मतलब अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी सोच रखते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी लेकर चलूँगी कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ। और हम तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे ही, और वीडियो में दिखाती रहूँगी मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, और जो भी कुछ लेकर आऊँगी मैं बाद में शेयर करूँगी। और पता नहीं ये कितना बड़ा वीडियो होगा और कितनी बड़ी लेंथ होगी, क्योंकि अभी तो एडिटिंग होगी तब पता चलेगा कि ये वीडियो कितना लेंथी होगा। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, मतलब आप इन्जॉय कर रहे हों। और आपको क्या क्या देखना पसंद है, मतलब कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आते हैं मतलब, और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आप लोग शेयर करना और लाइक करना भूल जाते हो तो ऐसा मत करिए फ्रेंड्स। आप लोग देखते हैं अगर तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है, और कमेंट करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो यही है आज का वीडियो, और दाल को मैंने दिखाया ही था आपको कि तड़का किस तरह की मैंने लगाया है। तो आप लोग भी ये ऐसे दाल बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और जो मैंने चोखा बनाया था वो भी आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, एक बार ट्राई करिए, फिर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, लेकिन मैंने एज कुछ नहीं लगाया है, पता नहीं वीडियो में मतलब क्यों ऐसा लगता है, कैमरे में मैंने लगाया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मैं लोटस की क्रीम लगाती हूँ, सनस्क्रीन क्रीम, तो वो लगाई है, और बस लिप कलर लगाया है, आईब्रोज फिल किया है बस, और मैंने काजल वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि जब मैंने शूट करती हूँ तो मतलब कोई वीडियो शूट करती हूँ तब तो लगाना ही है, तो ऐसे कभी कभी नहीं लगाती हूँ। तो अगर शाम को लगाऊंगी शायद, अच्छा मन करा मन किया तो जरूर लगाऊंगी, और नहीं किया तो छोड़ दूंगी। चलिए तो थोड़ा मैं सो लेती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो आज तो मैं लेट उठी हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तो थोड़ी सी बात हो गई है, थोड़ा सा और मैं काम कर लेती हूँ अपना, यहाँ वहाँ का काम करना है मुझे, अपना कुछ काम है मुझे, कुछ वीडियोस का काम है, कुछ घर का ही काम है, और बस इतना ही है आज। तो अब बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और शाम को हम मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं कह रही थी आप लोगों से कि मैं मार्केट जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊं, मतलब आप लोगों को भी साथ में ले जाऊंगी, तो चलिए फटाफट से चलते हैं फटाफट से। और मैंने कान का नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं हमेशा चेंज नहीं करती हूँ, कभी कभी जब वीडियोस बनाती हूँ तभी चेंज कर लेती हूँ, और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो चलिए फटाफट से निकल जाते हैं, और मैं लेट हो जाऊँगी नहीं तो चलिए। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगी कहाँ जा रही हूँ मैं, ठीक है, ओके, मिलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ सिंगापुर मॉल, ये है सिंगापुर मॉल है ये, तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए, चलिए चलिए चलते हैं फटाफट से अंदर। दिखाते जाना भैया,
हस्बैंड। अब हम आए हैं बिग बाजार, हम आए हैं बिग बाजार में और अब मैं थोड़ा यहाँ पर देखूंगी ऑफर चल रहा है कुछ शायद, तो वही देखने वाली हूँ मैं आज। देखिए क्या हुआ, तो यहाँ मैं अभी घूम रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या लेते हैं। ये ले लें क्या, लिमका लिमका ले लो ना, मेरे हस्बैंड पेमेंट करने जा रहे हैं, फिर तो दिखाऊंगी मैं आपको मैंने क्या लिया। देखिए घर पे देख रही हूँ, कुछ अलग सा कुछ मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मैं अभी देख रही हूँ, देखिए आप लोग भी कोई अलग कोई चीज होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मुझे यहाँ से तो कुछ भी नहीं लेना है, मतलब खाने पीने की चीज़, तो मैं थोड़ा दूसरे कंपार्टमेंट जाऊँगी, जब जहाँ पर क्लॉथिंग वगैरह होगी ना वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ से देखूँगी, तो मैं तभी मिलूँगी मैं आपको। तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ, लेडीज़ क्लॉथिंग देख रही हूँ और आप लोग भी देखिए। देखिए कलर को चेंज लग रहा है यहाँ पर इसमें वीडियो में, ये देखिए इधर
ये लो ही कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। नहीं यार मत कोई करो, हम नहीं कर रहे, कोई पकड़ो सैंडविच बना लेंगे अभी। तो सर खाने नहीं है ना, तो एटीएम से पैसे भी निकालने पड़ेंगे। ये चटनी गड़बड़ है, क्या खट्टा मन ज्यादा है अलग है। और एक प्लेट वो लिया ना बड़ा, चटनी डालिए Thank you.
ये कौन सा बात है? अरे I'm sorry, ज़्यादा कर रही हूँ, खाती नहीं हूँ, सही कैसी है? मैं कभी खाती हूँ, खाने को मैं अरे यार 4000 का तो सब कुछ कर रहा है, 1000 का खरीद तो करता हूं, 17 का तो मैंने देखा था, बताया था मैंने कितने का बताया तो सुनो भी ना क्या नहीं बाबा नहीं दे लो ये कितने का है कितने का था हमको जाना है नहीं देखना फिर बताते हैं कोई तंग ढूंढ रहे सांबर भी लाडा पता नहीं क्या रहता है बोलो तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से आ गई हूँ और सब मैसी है आपको कुछ मत समझिएगा और क्या कहते हूँ मैं कि आज अब मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो और पता नहीं कितना लंबा कितना लेंदी हो गया है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एज इट मेरी लिपस्टिक बिल्कुल नहीं निकली है और जैसे मैं लगा कर गई थी वैसे ही है और मैंने बालों को टायर उतर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने बालों को टाई कर लिया था। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए आए हैं मेरा चैनल नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिल्कुल फ्री होता है दोनों ही काम, तीनों ही काम बल्कि सब्सक्राइब भी लाइक भी और शेयर भी। तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय।